सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई थिंक सारे लोगों ने ज्वाइन कर लिया है। 24 पार्टिसिपेंट्स मुझे दिख रहे हैं और आज हम लोग सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो टूल्स हैं ई कंटेंट बनाने के उस पे बात करेंगे। और इसमें स्पेसिफिकली मैं सोशल साइंसेस पे फोकस करूंगी। रितु मैम काइंडली म्यूट योरसेल्फ, आप प्लीज म्यूट कर लीजिए अपने आप को। रितु ढिल्लों प्लीज आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए। हम लोग आज कोशिश करेंगे कि कैसे जाने कि कैसे हम ई कंटेंट बना सकते हैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक टूल्स जो कि सोशल साइंसेस के हैं उनको यूज करके। और इन जनरल पहले मैं थोड़ा सा इन जनरल मैं ई कंटेंट पे बात करूंगी और आईसीटी इंटीग्रेशन इनटू टीचिंग लर्निंग प्रोसेस उस पर बात करूंगी। एंड देन फिर हम लोग टूल्स पे फोकस करेंगे कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक टूल्स जो हैं वो क्या है सोशल साइंसेस के और कैसे उनको यूज करके हम ई कंटेंट अच्छे ई कंटेंट बना सकते हैं। सो अभी तक आप लोगों ने जो है वो सीखा होगा, बहुत सारे वो जेनरिक टूल्स आप लोगों ने देखे होंगे, जैसे कि आप लोगों ने आई थिंक ऑडासिटी, ओपनशॉट। प्लीज आप लोग मुझे क्विकली बताइए क्या क्या टूल्स अभी तक आपने सीखे हैं। कैनवा, ओडेसिटी, स्टॉप मोशन, H5P और भी टू ओडेसिटी, वो भी था उसमें। ओपन शॉट होगा, ओपन शॉट हाँ, वीडियो ओपन एडिटर। शॉट भी था। हाँ जी, वो भी था ओके, और उसमें, एनिमेशन के लिए स्टॉप मोशन स्टॉप एनिमेशन। मोशन। स्टॉप जी। मोशन अच्छा, हाँ, और इन्फोग्राफिक्स वगैरह के लिए भी कुछ सीखा होगा। कैनवा था उसमें, और अच्छा, बाकी कैनवा था। ओके ठीक है। तो ये सारे जो टूल्स हैं ये जेनरिक टूल्स जिनको हम कहते हैं कि इन जनरल किसी भी सब्जेक्ट के लिए यूज हो सकते हैं। सो ये जो टूल्स हैं वो भी हमें हेल्पफुल होते हैं ई कंटेंट बनाने के लिए, क्योंकि वो किसी भी सब्जेक्ट के लिए यूज हो सकते हैं। जैसे वीडियो है तो किसी भी सब्जेक्ट का बन सकता है, ऑडियो है वो किसी भी सब्जेक्ट का बन सकता है, इन्फोग्राफिक्स किसी भी सब्जेक्ट का बन सकता है, और वैसे ही स्टॉप मोशन एनिमेशन है वो भी किसी भी सब्जेक्ट का बन सकता है। तो ये सारे जो है वो किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हम इन सारे जेनरिक जो टूल्स हम कहते हैं जेनरल टूल्स उनको हम यूज में लेके आते हैं। तो अब जो है मैं एक आप लोगों से शेयर करूंगी स्क्रीन अपना, और हम लेट अस स्टार्ट विद द माय प्रेजेंटेशन। आप मेरे स्क्रीन देख सकते हैं? यस यस मैम। अब चेंज में स्लाइड्स चेंज कर रही हूँ, वो दिख रहा है आपको? जी मैम। ठीक है, ओके देन फाइन। सो आज जो है हम लोग बेसिकली इस सेशन में हम जानेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ आईसीटी इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एंड क्रिएशन ऑफ ई कंटेंट। अब इंटीग्रेशन ऑफ आईसीटी इनटू टीचिंग लर्निंग आप लोग अभी पिछले 3 4 दिनों में आप लोगों ने जाना होगा और ये भी जानने की कोशिश की होगी कि कैसे हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो मैं वहीं से शुरू करना चाहूंगी, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ आईसीटी जो है वो एक ब्रॉड टर्म है, एक अम्ब्रेला टर्म मैं कह सकती हूँ, और उसके अंदर जो है ई कंटेंट क्रिएशन जो है एक सबसेट कह सकते हैं कि हम ई कंटेंट बनाते हैं और फिर उसको कई बार और फिर हम उसको यूज करते हैं अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। अब ये है कि ये दोनों कई बार इंटरचेंजेबली भी यूज होता है, बट थोड़ा कुछ माइन्यूट डिफरेंसेस हैं, अदरवाइज ये कई बार इंटरचेंजेबली भी यूज होता है। बट इंटीग्रेशन ऑफ आईसीटी टू टीचिंग लर्निंग एक ब्रॉड टर्म है और उसमें एक सबसेट में कह सकती हूँ कि एक इम्पॉर्टेंट जो है वो है क्रिएशन ऑफ ई कंटेंट। अब चूंकि हम सोशल साइंस पे फोकस कर रहे हैं, पर हमें ये जानना बहुत जरूरी है, एक किसी को भी किसी भी सब्जेक्ट जो भी पढ़ाते हैं टीचर्स या ई कंटेंट बनाएंगे, कि ये जो है ये इम्पोर्टेंट, मतलब कुछ 4 सवाल हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है मुझे ऐसा लगता है, कि ये समझने के लिए कि हम इंटीग्रेट कैसे कर सकते हैं आईसीटी को अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। तो उसमें ये 4 सवाल हैं कि व्हाट, व्हाई, फॉर हूम एंड हाउ। ये जो 4 सवाल हैं कि हम क्या बनाना चाहते हैं, व्हाट मींस कि व्हाट डू वी वांट टू यू नो प्रोड्यूस, व्हाट डू वी वांट टू क्रिएट, एंड व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड इट, कि किस पर्पस, किस एम से हम उसको बनाना चाहते हैं, एंड देन थीम या टॉपिक क्या रहेगा हमारा, क्या हम टॉपिक चूज कर रहे हैं हमें हम बनाने के लिए। देन उसके बाद डेफिनेटली कंसेप्चुअलाइजेशन इज इम्पोर्टेंट, कि कैसे हम बनाएंगे उसको।
तो वो एक सोचना, एक फ्रेमवर्क दिमाग में जरूरी है. देन व्हाई डू वी वांट टू डू इट, कि तो नीड क्या है उसका, व्हाई डू वी वांट टू डू, नीड या पर्पस क्या है उसका, तो कोई भी ई कंटेंट बनाने का, या ब्रॉडर टर्म जो मैंने कहा कि इंटीग्रेशन ऑफ आईसीटी का, क्या जरूरत क्या है उसकी. तो इसमें, इससे जुड़ा हुआ, इसका जो सवाल का जवाब जो है वो इससे जुड़ा हुआ है कि हमारा क्या एडवांटेज है ट्रेडिशनल वे ऑफ टीचिंग लर्निंग से, ये ई कंटेंट के थ्रू, अगर हम आईसीटी के थ्रू अगर हम पढ़ाते हैं टीचिंग लर्निंग में प्रोसेस, मतलब उसको इंटीग्रेट करते हैं, तो व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ इट ओवर द ट्रेडिशनल वे ऑफ टीचिंग लर्निंग, तो ये उसमें जुड़ा हुआ है उससे. सो क्विकली क्या कोई मुझे बता सकता है कोई भी पॉइंट जैसे कि क्या, व्हाट इज द एडवांटेज, क्या एडवांटेज है ट्रेडिशनल वे ऑफ टीचिंग लर्निंग से इस इंटीग्रेशन ऑफ आईसीटी का या ई कंटेंट को बना के यूज करके पढ़ाने का, क्विकली कोई मुझे बता सकता है? मैम, दिस इज एन एरा ऑफ ब्लेंडेड लर्निंग बिकॉज टेक्नोलॉजी ऑफ कोर्स इज सो मच हेल्पफुल दैट वी नो, एंड इट इज द नीड ऑफ द आवर. एज फार एज ओके ट्रेडिशनल टीचिंग इज कंसर्न, वन टू वन नथिंग कैन रिप्लेस द टीचर एज सच, बिकॉज द वे यू आर देयर, लाइक वी आर टू बिग, आई मीन टू यू नो, वी आर मेच्योर इनफ, स्टिल वी आर डिमांडिंग दी ऑफलाइन सेशंस, बिकॉज दिस कंटैक्ट, जो पर्सनल कंटैक्ट है, दिस कैन नेवर बी रिप्लेस. द वे वी ऑन द स्पॉट अ लॉट ऑफ थिंग्स, नाउ वीडियो हैज बीन मेड, वी कैन नॉट मेक द चेंजेस ऑन द स्पॉट. इफ आई एम टेलिंग देम अबाउट द एनवायरमेंट, आई एम टॉकिंग अबाउट, देन आई हैव टू गिव देम वन एग्जाम्पल. ओके लिसन, आई एम राइडिंग माई बाइसिकल एवरी डे टू द स्कूल, नाउ फॉर दिस आई हैव टू बी देयर, दिस लाइव एग्जाम्पल हैज टू बी देयर, दे शुड सी मी कमिंग टू द स्कूल राइडिंग द बाइसिकल सेविंग द व्यू. So this personal contact programs are really important. Nothing can replace schools, nothing can replace the teacher. And traditional way, the drill and repetition method, like tables, हमने समझा दिए मैथमेटिक्स में, सपोज कि इस तरह से बने हैं, लेकिन उसके बाद भी रोट लर्निंग इज इम्पॉर्टेंट. लाइक 7 6 सा अचानक से 7 7 सा हम डॉजिंग टेबल्स पूछ रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए वो ट्रेडिशनल ड्रिल एंड रेपिटेशन इज इम्पॉर्टेंट. सिमिलरली ठीक इन हिस्ट्री है, अगर किंगडम्स के नाम ही याद है, या किस ईयर टू ईयर बीसी, ये सब कुछ उन्हें समझ में ही नहीं है, तो वी कैन नॉट गो विद. सो वो समझाने के लिए हम टेक्नोलॉजी की हेल्प ले सकते हैं, बट उसके बाद उनको याद खुद ही करना पड़ेगा, और उसके लिए फिर से ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस दे इंटरवीन. ओके ठीक है. एनीबडी एल्स, कोई और यस मैम, एडवांटेज आई आई वांट टू स्पीक. क्विकली शॉर्ट में थोड़ा सा? ठीक है. या मैम, ट्रेडिशनल वे पे जो एडवांटेज है टेक्नोलॉजी की, वो यही एडवांटेज है कि दिस दिस प्रोवाइड्स एन एड ऑन टू द ट्रेडिशनल वे ऑफ टीचिंग, सो दैट वी कैन मोर क्लियर द कॉन्सेप्ट्स ऑफ द स्टूडेंट्स. नो ओके डाउट आई एम अग्री विद द मैम व्हाट शी सेड, बट नो डाउट टेक्नोलॉजी ऑल्सो हेल्प्स अस अलॉट. ठीक है. ओके एनीबडी एल्स, कोई और कुछ ऐड करना चाहता अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज पॉइंट्स जो हो गए इसके अलावा? थोड़ा टाइम सेविंग है कि अगर हमें जैसे कुछ ड्रा करना है, बच्चों को दिखाना है, तो हम बोर्ड पे ड्रा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. हम क्योंकि वो डायग्राम्स या जो भी हमने इमेजेस दिखानी है वो दिखा सकते हैं. बच्चों के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग रहता है. जैसे ही बच्चे क्लास में आते हैं तो वो बोरिंग जो रिपिटेटिव जो रूटीन क्लासरूम है उससे थोड़ा हटके आएगा, तो बच्चे थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट शो करेंगे और हम कम टाइम में ज्यादा अच्छे से इफेक्टिवली बता सकते हैं अगर कुछ कंसेप्ट को ई लर्निंग के थ्रू. गुड. हाँ, ये भी एक अच्छा पॉइंट है सर. ये मुझे अभी तक जो आपने बोला कि ऑलरेडी जो हम ड्रॉ करने करना पड़ता है, और वो अभी तक मुझे किसी ने ये आंसर नहीं दिया था, जितने भी अभी ये फोर्थ फेज चल रहा है, तो लास्ट 3 फेजेस में किसी ने मुझे ये वाला एडवांटेज नहीं बताया कि ड्रॉ करने में इतना टाइम लगता है, उसे अच्छा हम लोग दिखा सकते हैं उनको फोटोग्राफ. ओके एनीबडी एल्स? मैम, एडवांस लर्नर्स का अटेंशन स्पैन ग्रैप्स करना एक चैलेंज बन चुका है, बिकॉज एक सिंपल एक लेक्चर का जो लेक्चर मेथड है, उसमें आप उन बड़ी जल्दी इंटरेस्ट खो देंगे, आपकी क्लास में डिसिप्लिन की प्रॉब्लम आ जाएगी. जो एडवांस लर्नर्स हैं, वो नॉर्मल लर्नर्स को, जो आपको सुन भी रहे हैं, उनको भी दे डू नॉट लेट देम, वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं. तो दिस वे, लाइक अब जैसे हमने ब्रेकआउट रूम्स में अलग अलग सब्जेक्ट वाइज समझा रहे हैं, हर जगह कुछ नया सीखने को मिल रहा है, तो अगर मुझे यहाँ लगता
और लगेगा मैथमेटिक्स भी देख लू एंड ऑल्सो. वो क्या होता है, ऐसे लर्नर्स हर जगह पीपल करते हैं, जो ये भी मेरे जैसे लोग डिस्टर्बेंस भी क्रिएट कर देते हैं. सो आई थिंक दिस इज रियली इम्पोर्टेंट कि टेक्नोलॉजी हो तो थोड़ा उनको हम इंगेज करके रख सकते हैं. ठीक है मैम, मैं इग्नोर करूंगी अगर आप यहाँ से ब्रेकआउट किसी और में चली जाएंगी तो. हाँ ठीक है, आई वोंट फील बैड. ओके ठीक थैंक यू. एक्चुअली मैम लाइक आई एम एन एलिमेंट्री टीचर, सो आई एम यू हाँ, नो थोड़ा हर जगह मैं समझ रही हूँ. ऑल द ठीक है ठीक सब्जेक्ट्स. या है. वैसे मैम मैं बता दूं बाकी लोगों के लिए भी कि हम लोगों ने ये प्रेजेंटेशन जो है सबके साथ शेयर कर दिया है, आपके कोऑर्डिनेटर्स के साथ, और ये भी वीडियो भी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो भी सेशन आपका आपके साथ शेयर हो जाएंगे, और सीआईटी वेबसाइट पे भी आई थिंक अपलोडेड होंगे, तो आप बाद में भी कभी देख सकते हैं जितने भी सब्जेक्ट्स के आप चाहें. यू कैन गो थ्रू द प्रेजेंटेशंस एज वेल एज द वीडियोस, जो भी हम बोल रहे हैं वो सब रिकॉर्ड हो रहा है. सो ठीक है, गुड इनफ. और कुछ और एडवांटेजेस हैं जो मैं थोड़ा सा पॉइंट आउट करना चाहूंगी. एक तो कि एक ही समय पे हम बहुत सारे लोगों से जुड़ सकते हैं टेक्नोलॉजी के थ्रू, और बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे बच्चों को, लर्नर्स को हम दिखा सकते हैं कोई चीज जो कि हो सकता है अदरवाइज पॉसिबल ना हो. और एक और जो पॉइंट में इम्पोर्टेंट है जो मैं यहाँ कहना चाहूंगी, बाकी सब तो आपने बता ही दिया, कि कई बार क्वालिटी जो होती है वो क्वालिटी टीचर्स हर जगह अवेलेबल नहीं होता, टीचिंग अवेलेबल नहीं होता है, तो उस केस में भी हम इसका सहारा ले सकते हैं कि हम पहुंच सकते हैं. और क्वालिटी टी जैसे एक अच्छा वीडियो है, वीडियो लेक्चर है, उसको हम डिसेमिनेट कर सकते हैं जहाँ पे टीचिंग लर्निंग जो क्वालिटी एजुकेशन अवेलेबल नहीं है. और एक और पॉइंट मैं कहूंगी जो कि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं, खासकर सोशल साइंसेज में, मैं कहूंगी इनफैक्ट साइंसेज में भी होते हैं, जिसमें कि जो कि हम वैसे समझा नहीं सकते. जैसे अगर हम फ्लावरिंग ऑफ प्लांट है फॉर एग्जाम्पल, या साइंसेज में, या फिर चेंजिंग ऑफ सीजन्स है, या फॉर्मेशन ऑफ सॉइल है, या फिर जैसे डिग्रेडेशन का प्रोसेस है, या हिस्ट्री में कुछ ऐसे चीजें हैं, या क्लाइमेट चेंज है इस तरह, डिफॉरेस्टेशन है किसी पर्टिकुलर जगह पे, या अगर हम बाकी और चीजों से रिलेटेड कहें कि जैसे, अच्छा तो ये इनको पहले ले लेते हैं, इनका टाइम स्पैन बहुत लंबा होता है, ये जो प्रोसेसेस मैंने आपको, जो मतलब मैंने फिनोमेना आपके जो बताए, नाम लिए और भी ऐसे बहुत सारे हैं, तो हम उनको एक ह्यूमन बीइंग के लाइफ स्पैन में, जरूरी नहीं है कि वो अकर होता है, मतलब वो जरूरी नहीं कि वो घटना है, और हम उनको कई बार नोटिस भी नहीं कर पाते हैं ऐसे अपने नेकेड आईज से, या फिर बहुत अब एक जगह बैठ तो सकते नहीं हम इरोजन देखने के लिए, तो इसीलिए, और जैसे मिट्टी कैसे बन रही है, पत्थर कैसे टूट के डिग्रेडेशन हो रहा है, ये सब चीजें, तो ग्लेशियर कैसे मूव कर रहा है, तो इन सब चीजों के लिए वो दिखता ही नहीं, क्योंकि इतना छोटा, मतलब इतना माइक्रो सेकेंड्स में उनका मूवमेंट होता है, तो इसीलिए वो जो है हम उनको कैप्चर नहीं कर सकते, तो उस केसेस में ई कंटेंट जो है हमें हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं, और हम उनको कैप्चर करके और शो कर सकते हैं किसी को भी, हम दिखा सकते हैं स्टूडेंट्स को, लर्नर्स को बता सकते हैं. एक सेकेंड. ये था एक एडवांटेज. अनदर एडवांटेज हमारा जो इसका है, ई कंटेंट का. देन एक और जो एडवांटेज है वो ये कि कुछ ऐसे सेंसिटिव टॉपिक्स होते हैं जिनको हम ऐसे डील नहीं कर सकते, लर्नर्स को हम नहीं बता सकते, स्पेशली छोटे बच्चों को, जैसे चाइल्ड अब्यूज हुआ, सेक्सुअल अब्यूज जिसको कहते हैं, एंड देन उसके बाद चाइल्ड मैरिज हुआ, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हुआ, या कुछ ऐसी चीजें जो है, इस तरह के जो सेंसिटिव टॉपिक्स हैं, हम उनको ऐसे शायद बताने में हमें दिक्कत, उनको समझने में भी, बिकॉज दे उनका माइंड बहुत ऐसे होता है छोटे बच्चों का स्पेशली, तो हम उनको इस तरीके के टॉपिक्स को जो है हम ई कंटेंट के थ्रू हम उनको बता सकते हैं, कॉमिक स्ट्रिप के थ्रू बताते हैं, कई बार कॉमिक स्ट्रिप्स भी हैं, वीडियोस भी हैं, हम पीएमए विद्या डीटीएच टीवी चैनल्स जो हैं स्टेट्स को भी अब लॉन्च करने हैं, तो उनमें भी हम चलाते हैं पर्सनल सेफ्टी से रिलेटेड वीडियोस हम चलाते हैं, ताकि ताकि बच्चे जो देख के वो समझ सके कि व्हाट इज चाइल्ड अब्यूज, जो पर्सनल सेफ्टी जो है वो कैसे हम मेंटेन कर सकते हैं, या जैसे ट्रैफिक रूल्स हैं उनको भी बताना है स्किल, अपना डे टू डे लाइफ की स्किल्स को जानने के लिए, तो उसके लिए भी ट्रैफिक रूल्स जो है कैसे मूव करेंगे, वो सब सारी चीजें हम इसमें बता सकते हैं.
इसके थ्रू, ई कंटेंट के माध्यम से। तो ये ऐसे इसी तरह के कुछ जो ये कुछ एडवांटेजेस जो हैं वो हैं ट्रेडिशनल वे ऑफ टीचिंग के लिए, टीचिंग लर्निंग के ऊपर ई कंटेंट का। अदरवाइज एज वी ऑल नो, फेस टू फेस जो है इंटरेक्शन, उसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। इट इज इररिप्लेसेबल, और उसका कोई वो नहीं है, जोड़ नहीं है उसका, कोई काट या जो भी कह लीजिए वो चीज नहीं होती है। सो ये था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर हूम, हम किसके लिए बना रहे हैं कंटेंट। तो टारगेट ग्रुप इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब टारगेट ऑडियंस, एज ग्रुप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें किस तरीके का कंटेंट बनाना है, क्या पेडागोजी उसमें रहेगी, पेडागोजी मतलब कैसे हम उसको डील कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन को हम डील कर रहे हैं। तो स्टोरी बेस्ड ज्यादा होता है छोटी क्लासेस में, बड़ी क्लासेस में कंटेंट बेस्ड ज्यादा होता है, इंफॉर्मेशन हम ज्यादा डालते हैं, और पपेट्स वगैरह एनिमेशन वगैरह हम छोटी क्लासेस में ज्यादा यूज करते हैं, बड़ी क्लासेस में जाके हम थोड़ा लेक्चर बेस भी थोड़ा कर सकते हैं। तो ये चीजें हैं। देन लैंग्वेज बैकग्राउंड क्या है बच्चों का, वो भी जानना जरूरी है, क्योंकि पता चला बच्चे जो हैं बांग्ला समझते हैं, मैं बना रही हूँ तमिल में ई कंटेंट, राइट। सो ये चीजें ध्यान में रखनी है, और सब्जेक्ट एरिया क्या है वो भी, टॉपिक क्या है वो सब जानना जरूरी, कि हमें एक्चुअली क्या किस चीज को केटर करना है, कौन से सब्जेक्ट को या टॉपिक को किस चीज को हमें केटर करना है। तो ये कुछ चीजें बेसिक जो हमें ध्यान में रखनी होती हैं। देन उसके उसके बाद हाउ टू डू इट, सो व्हाट टाइप ऑफ रिसोर्सेज टू बी यूज्ड, ई कंटेंट क्या हम यूज करेंगे, ये सब चीजें जो हैं वो हमें चाहिए होती हैं। उसी से रिलेटेड है कि टूल्स हम कौन कौन से यूज करते हैं, तो हम ई कंटेंट कौन कौन सा करेंगे एंड टूल्स कौन कौन से यूज करेंगे। सो ये जो है आप देख सकते हैं कॉमन जो एक मॉडल है इंटीग्रेशन ऑफ आईसीटी का, टेक्नोलॉजी का टीचिंग लर्निंग में, वो है टीपैक मॉडल, कई लोग इसको जानते भी होंगे। और ये डिस्क्राइब करता है कि किस तरह का नॉलेज टीचर्स को या फिर जो भी ई कंटेंट बना रहा है उसको चाहिए होता है ई कंटेंट बनाने के लिए, राइट। सो दीज आर द थ्री यू नो नॉलेज, काइंड ऑफ नॉलेजेस जो कि चाहिए होता है किसी भी टीचर को कंटेंट बनाने के लिए। एक तो है टेक्नोलॉजिकल नॉलेज, दूसरा है कंटेंट नॉलेज, और तीसरा है पेडागॉजिकल नॉलेज। टेक्नोलॉजिकल नॉलेज की मतलब ऐसा नहीं कि आपको आईटी स्पेशलिस्ट होना है, जो चीजें आप सीख रहे हैं अभी, थोड़ा कि वीडियो कैसे बनाना है, कैसे एडिट करना है, ऑडियो कैसे बनाना है, कैसे एडिट करना है, ई कंटेंट कैसे, कोई भी इंफोग्राफिक कैसे बनाना है, क्या चीजें कैसे बनानी, ये सब चीजें बस। देन कंटेंट का नॉलेज डेफिनेटली होना चाहिए, हम जब जो भी टीचर्स हैं उन सबको कंटेंट का नॉलेज होता है। बस ये होता है कि फैक्चुअल एरर्स, जो कुछ फैक्ट्स हैं उन पे एरर्स नहीं होना चाहिए, मतलब कि आजादी की लड़ाई जब हुई थी तभी हुई थी, किसी की डेथ या कोई मरा था या कोई किसी का कंट्रीब्यूशन है किसी पर्टिकुलर मूवमेंट में, तो वो उसी का होना चाहिए, किसी और का नहीं होना चाहिए। वाटर डिस्प्यूट्स दो स्टेट्स में, तो जो दो दो स्टेट्स में है और जिस नदी के ऊपर है उसी का नाम होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए, और डेटा जो है वो भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीजें जो है वो ध्यान देने वाली है। एंड देन पेडागोजिकल नॉलेज, कि हमें उस इंफॉर्मेशन को कैसे ट्रांसफर करना है, पेडागोजी जो है कि आर्ट ऑफ टीचिंग जिसको हम कहते हैं, आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग, तो वो इम्पोर्टेंट है कि भाई कैसे हम उस टॉपिक को डील करेंगे, दैट इज इम्पोर्टेंट। अब नाउ ये है कि टाइप्स ऑफ ई कंटेंट, टाइप्स ऑफ ई कंटेंट में जो है ये ई टेक्स्ट है, इमेज है, ग्राफ, चार्ट, मैप, डायग्राम, ऑडियो, वीडियो, इंटरैक्टिव, इंफोग्राफिक, ये जो है ये सारे ई कंटेंट है। इसमें से कुछ भी आप यूज करेंगे तो एनीथिंग जो भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होगा, डिजिटल फॉर्म में होगा, उसको हम ई कंटेंट कहते हैं। जैसे टेक्स्ट है, अब ये जैसे ये हमने लिख रखा है इसमें नोटबुक में है हमारा जो भी ये मैंने लिखा है, तो ये टेक्स्ट हो गया, इसी को मैं डिजिटाइज कर दिया, मैंने फोटो क्लिक करके और डाल दिया, या इसको टाइप करके मैंने डाल दिया, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कर दिया, तो वो क्या ई कंटेंट हो गया। ऐसे ही ये सब चीजें हम यूज करते आए हैं, जो भी आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस तरह की चीजें। मैप है तो पहले हमने फिजिकल मैप या एटलस मैप, एटलस जो होता है हमारे पास, या फिजिकल मैप्स होते हैं, वॉल मैप होता है, उसको अगर हम डिजिटल फॉर्म में कर देंगे तो वो डिजिटल फॉर्म में ई कंटेंट हो गया मैप का। तो यही सब चीजें हैं। देन ये एक एग्जाम्पल है जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल, जस्ट टू एक्सप्लेन, जस्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल, कि जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ हिमालयाज है, अगर मैंने उसको सिर्फ बुलेट पॉइंट्स में ऐसे डाला होता टेक्स्ट के फॉर्म में, और एक जो मैंने ऐसे इन्फोग्राफिक बना दिया, ये ऑलरेडी टेम्पलेट्स बने हुए आते हैं, कैनवा में भी आते हैं, और इजिली एक टूल है
उस पे भी ऑनलाइन है वो, उसमें भी कुछ ऐसे टेम्पलेट्स बने हुए आते हैं। तो ये जो है उस इस तरह से मैंने इन्फोग्राफिक के फॉर्म में थोड़ा कर दिया, तो वो इंटरेस्टिंग लग रहा है देखने में। तो ये बस एक तरीका है वो करने के लिए कि किस तरह से हम ई कंटेंट को बना सकते हैं, व्हाट हम किसी टॉपिक पे, ये बहुत ही सिंपल एक टॉपिक पर उसको मैंने ऐसे करके बना दिया, जस्ट फॉर एन आइडिया, ये एग्जाम्पल है बस आप लोगों को दिखाने के लिए। नाउ अब ये तो हो गया इंटीग्रेशन से रिलेटेड। अब जो है और ई कंटेंट जो टी पैक मॉडल, वो जो तीन क्वालिटीज होनी चाहिए किसी को भी, किसी भी एक्सपर्ट में, देन अब है कि ई कंटेंट डेवलपमेंट का क्या स्टेजेस कैसे है, क्या होता है, सो व्हाट इज द मॉडल दैट इज यूज। तो एडी मॉडल जो है वो यूज होता है, हम उसको यूज करते हैं एक कॉमन, ये बहुत सारे और भी मॉडल्स हैं बट ये पॉपुलरली यूज होता है कि क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे हम कंटेंट को बनाने में। सो ए इज स्टैंड फॉर एनालिसिस, डी फॉर डिजाइन, अनदर डी फॉर डेवलप, आई फॉर इम्प्लीमेंट एंड ई फॉर इवेल्युएट। अब इसको ये जो है मॉडल को अगर मैं सिंपल, बहुत ही एक सिंपल एग्जांपल दे के बताऊं, जैसे मैंने ये प्रेजेंटेशन बनाया तो मैंने पहले एनालिसिस की कि मुझे किसके लिए बनाना है, सो द यू ऑल आर टीचर्स, तो टीचर्स के लिए मुझे बनाना है और सोशल साइंस के लिए बना, मैंने पहले एनालिसिस की, फिर मैंने दिमाग में से सोचा डिजाइनिंग, डिजाइन किया कि अच्छा कैसे डिलीवरी का फॉर्मेट क्या होगा, तो भाई मैंने सोचा कि ई कंटेंट प्रेजेंटेशन के फॉर्म में होगा और उसमें क्या क्या मैं डालूंगी, ये सब चीजें मैंने थोड़ा सा सॉर्ट आउट कर लिया कि टी पैक मॉडल मुझे दिखाना है, वो चार क्वेश्चंस मुझे दिखाने हैं आपसे डिस्कस करने हैं, एडी मॉडल मुझे दिखाना है, एक मैं एग्जाम्पल दिखा दूंगी, ऐसे करके ये मैंने अपने दिमाग में सोच लिया। देन मैंने ये प्रेजेंटेशन बनाया, आई डेवलप द प्रेजेंटेशन, सो थर्ड डी पे मैं आ गई, मैंने डेवलप किया ये प्रेजेंटेशन एंड देन राइट नाउ आई एम इम्प्लीमेंटिंग, मैं आप लोगों के सेशन में ये यूज कर रही हूँ, सो आई एम इम्प्लीमेंटिंग इट ऑन यू पीपल, एज यू पीपल आर लर्नर और मैं लर्नर्स, और मैं इसको इम्प्लीमेंट कर रही हूँ आप लोगों के ऊपर। देन ई स्टैंड फॉर इवेल्युएट, अब इसके बेसिस पे आपको हो सकता है कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे या मैं एंड में आपसे पूछूंगी कि आपको कैसा लगा फीडबैक, कुछ समझ में नहीं आया या कोई क्वेश्चंस है तो आप पूछिए फीडबैक ऐसे ना, या आपको कुछ किसी को कुछ पूछना है तो ऐसे करें, सो आई विल ट्राई टू इवेल्युएट माई यू नो डिलीवरी ऑफ दिस ई कंटेंट जो भी मैंने बनाया है प्रेजेंटेशन, सो आई ट्राई टू डू इट। सो मैंने इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताया कि एडी मॉडल जो है वो कैसे हम यूज करते हैं अपने कंटेंट के क्रिएशन में, और उसके मतलब द होल प्रोसेस फ्रॉम क्रिएशन टू इम्प्लीमेंटेशन एंड इवेल्युएशन। इतनी बात समझ में आई सबको? क्विक रिस्पॉन्स, एनी चैट पे मैसेज आप डाल दीजिए या ओके यस कह दीजिए कुछ भी, ताकि वॉइस मुझे मैम, पता वॉज चले क्लियर हाँ मैम, यस मैम, वेरी कि गुड आप लोग गोइंग सो मैम, नहीं रहे हैं खाना खाने के नो नो बाद। नो नो नो, थैंक ठीक है यू। ओके सर। हाँ नाउ वी आर कमिंग टू द सब्जेक्ट स्पेसिफिक टूल्स। अब ये हमारी जनरल अभी बातें हो गई जो हम कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड, आईसीटी इंटीग्रेशन, ई कंटेंट से रिलेटेड मॉडल्स एटसेट्रा हमने देख लिए। अब जो है ये कुछ टूल्स जो है सोशल साइंस के लिए जो मैं यूज करती हूँ या मैंने एक्सप्लोर किए हैं, ऐसे बहुत सारे और टूल्स होंगे बट ये कुछ जो है वो मैं आपको बता रही हूँ इसमें। पहला है भुवन, देन है ये इंडिजिनसली डेवलप्ड वेब पोर्टल है, इसरो ने डेवलप किया है और इसमें जितने भी गवर्नमेंट से रिलेटेड जो डेटा होता है, फॉरेस्ट्री का है, आर्कियोलॉजिकल साइट्स का है, क्लाइमेट का डेटा है, सॉइल का डेटा है, वार्निंग फ्लड वार्निंग फोरकास्ट, ये सब का जो वेदर का डेटा है वो सब उसमें इंडिया के लिए, सिर्फ इंडिया के लिए इसमें आपको मिल जाएगा, एंड आप उससे रिलेटेड मैप्स भी मिल जाएंगे, आप खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं मैप्स, और गवर्नमेंट के जो बहुत सारे प्रोग्राम्स चलते हैं क्या कवरेज उनका कहाँ कहाँ, वो सब आपको इसमें मिल जाएगा, स्टेट लेवल का भी डेटा मिल जाएगा इसमें। मैं क्विकली आपको स्क्रीनशॉट्स भी दिखाऊंगी और समय मिला तो मैं थोड़ा सा उसको खोल के भी दिखा दूंगी आपको डेमोन्स्ट्रेट करके थोड़ा सा। नेक्स्ट इज मार्बल, केडी, केडी इज द कम्युनिटी जो डेवलप करती है वो फॉस टूल्स जो डेवलप करती है, फॉस टूल्स के बारे में आपने जाना होगा अभी पिछले 2-3 दिनों में, तो मार्बल उसका नाम है। इसमें भी हम ग्लोब के फॉर्म में देख सकते हैं अर्थ को, देन वी कैन यू नो कुछ उसमें फीचर्स हैं, पुराने मैप्स भी देख सकते हैं, हिस्टोरिकल मैप्स एक्सेट्रा, स्ट्रीट लेवल तक हम देख सकते हैं उसमें, जूम करके भुवन में भी देख सकते हैं और जूम इन जूम आउट करके और उसमें मैप्स भी बना सकते हैं।
देन गूगल अर्थ है, हम में से कई लोगों ने हो सकता है यूज भी किया हो, इसमें भी जूम करके बहुत सुंदर, इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं और ऑलरेडी ई कंटेंट है, इसमें वीडियोस हैं, फोटोग्राफ्स हैं जो कि हम लोग यूज कर सकते हैं, उनको लेकर के अपना ई कंटेंट जो है क्रिएट कर सकते हैं। देन वी हैव QGIS, इट इज अगेन अ फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, और इसमें हम मैप्स बना सकते हैं, डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, ये सब चीजें इसमें हम कर सकते हैं। ट्रोफी है एक अनदर टूल जो कि आपका ऑनलाइन पिक्चर लाइब्रेरी की तरह हम यूज कर सकते हैं इसमें, क्योंकि बहुत सारे फोटोग्राफ्स अगर हम यूज करते हैं पुराने जो बुक्स वगैरह के, स्क्रिप्चर्स वगैरह के फोटोग्राफ्स, वो ऐसे अवेलेबल नहीं होते, उनके पेजेस भी वी के नॉट एक्सेस देम, हम है ना, हम लोग उनको बार बार यूज नहीं कर सकते, तो हम फोटो क्लिक करके अब इतने सारे फोटोग्राफ्स, हम और भी बहुत सारे फोटो खासकर हिस्ट्री में या फिर ज्योग्राफी वगैरह में यूज फोटोग्राफ्स बहुत ज्यादा यूज करते हैं, तो मोबाइल भर जाएगा आपका, डेस्कटॉप भर जाएगा, तो आप ऑनलाइन एक पिक्चर लाइब्रेरी की तरह आप ट्रोफी को आप यूज कर सकते हैं। देन है windy.com, इसमें क्या है कि इसमें रियल टाइम जो क्लाइमेटिक कंडीशंस जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड वो इसमें दिखते हैं, और विंड का डायरेक्शन, विंड का फ्री फ्लो और स्पीड और ये सब चीजें जो हैं वो इसमें दिखते हैं। देन स्टेलारियम है एक, ये भी फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ऑनलाइन भी एक्सेस कर सकते हैं, इसमें रियल टाइम अभी जो है दिस रियल टाइम इस प्लेस का जो स्काई में जो जो भी सेलेस्टियल बॉडीज हैं, जो भी तारे हैं, ग्रह, क्या क्या हमें दिख रहे हैं, मैं अभी NCERT में बैठी हूँ तो अभी यहाँ पे आसमान में क्या क्या चीजें हम देख सकते हैं वो हम इसमें देख सकते हैं, मतलब कुल मिला के हम दिन में तारे भी दिखा सकते हैं और देख सकते हैं इसमें, तो कुछ भी सैटेलाइट भी दिख जाएगा उसमें, अभी हो सकता है मैं अभी खोल के देखूँ तो सैटेलाइट भी दिख जाए हमें, दो बार, एक बार तो तीन सैटेलाइट दिखे थे और एक बार एक सैटेलाइट लास्ट फेज में एक सैटेलाइट दिखा था एग्जैक्टली इस लोकेशन पे मुझे आसमान में, तो स्टेलारियम से हम वो देख सकते हैं। और सुटोरी है एक, उसमें ये इसमें बहुत सारे लेसन प्लान्स मिलते हैं, तो टीचर्स के लिए बहुत ही यूजफुल यूजफुल है, ई कंटेंट कौन कौन से किस किस टॉपिक्स पे हम क्या क्या ई कंटेंट यूज कर सकते हैं वो भी इसमें पता चल जाएगा, क्योंकि लेसन प्लान है इसमें, सब्जेक्ट वाइज है, स्ट्रीम वाइज है, क्लास वाइज है, लेवल वाइज, मतलब वो सब इसमें दिए हुए हैं। देन वी हैव फ्लाइट रडार 24.com, इसमें रियल टाइम फ्लाइट का मूवमेंट, प्लेन का ट्रैफिक वगैरह किसी भी सिटी पे वो दिख जाएगा आपको, तो ये जब हम ट्रैवल एंड टूरिज्म की बात करते हैं या प्लानिंग जब हम किसी सिटी की करते हैं तो ये काफी हेल्पफुल रहता है, अदरवाइज हम जनरल अपने यूज के लिए भी यूज कर सकते हैं। देन गूगल आर्ट्स एंड कल्चर, ये हमारा जब हम गूगल जब ड्राइव खोलते हैं उसी में एक ड्रॉप डाउन ऑप्शन आता है और उसमें बहुत सारे एप्स और हैं उसमें एक्सटेंशन, तो उसमें एक ये भी एक गूगल आर्ट्स एंड कल्चर, और इसमें मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाऊंगी, उसमें बहुत सारे आपको पेंटिंग्स मिल जाएंगी, आपको आर्टिस्ट के पिक्चर्स मिल जाएंगे, डिटेल्स मिल जाएंगे, हिस्टोरिकल फिगर्स हैं उनके मिल जाएंगे, म्यूजियम्स के उसमें मिल जाएंगे फोटोग्राफ्स, म्यूजियम की क्लिपिंग्स, आपको 360 डिग्री जो है वीडियोस वो सब दिख जाएंगे, ये सब चीजें हैं उसमें। देन गूगल कार्डबोर्ड है जो कि आपको वो वर्चुअल रियलिटी के लिए कार्डबोर्ड का बना हुआ बॉक्स आता है, और ये सबसे पहले ये वर्चुअल रियलिटी का इस तरह का आया था और वेरी इकोनॉमिकल, अब तो आप बहुत सारे सेट्स वगैरह जो आते हैं हम देखते हैं ऐसे उसके प्राइस रेंजेस भी होते हैं, तो वर्चुअल रियलिटी जिसको एक्सपीरियंशियल लर्निंग भी हम कहते हैं उसको यूज करने के लिए इसका ऐप भी होता है, और उस कार्डबोर्ड बॉक्स में एक लेंस लगा रहता है, अपना मोबाइल डाल के उसमें उस तरीके से आप वर्चुअल रियलिटी की फीलिंग ला सकते हैं, बच्चों को दिखा सकते हैं। प्लीज आप म्यूट कर लीजिए जो भी जिसने भी अपना कैमरा ऑन किया है। मीरू मैम प्लीज आप म्यूट कर लीजिए खुद को। सॉरी फॉर दिस। हाँ इट्स ओके मैम। देन अदर जेनरिक टूल्स जो हैं वो जैसे कि ऑडासिटी, ओपन शॉट वीडियो एडिटर जो कि मैंने आप लोगों ने बताया, वो सब सारे हम यूज कर सकते हैं इसमें, क्योंकि किसी भी टॉपिक को लेकर के हम वीडियो बना सकते हैं, वी कैन यूज दिस टूल्स फॉर क्रिएटिंग ई कंटेंट। देन गेम्स हैं बहुत सारे जो कि नेशनल ज्योग्राफिक किड्स पे, जियो गेसर पे, गूगल आर्ट्स एंड कल्चर जो मैंने बताया उस पे भी गेम्स हैं, तो आप उन गेम्स को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हैं, एंड या फिर आप उन गेम्स को खेल के और या देख के, खेल के मतलब देख के, एंड वैसे ही आप गेम बना सकते हैं अपने लर्नर्स के लिए, तो थोड़ा इंटरेस्ट ऐड करेगा, आप उसी के थ्रू, उन गेम्स के थ्रू आप इवेलुएट भी कर सकते हैं, रादर देन टेकिंग टेस्ट और एग्जाम्स आप गेम्स उनको खिला के और इसी के माध्यम से
आप उनको इवैल्यूएट कर सकते हैं, तो एग्जाम का फोबिया भी नहीं रहेगा और उनको मजा भी आएगा एग्जाम देने में, जो कि गेम की फॉर्म में है। देन वैसे ही सॉन्ग्स हैं, किसी टॉपिक पे हम बना सकते हैं, बहुत सारे सॉन्ग्स होते हैं हमारे फोक वो में, कल्चर में। आई एम श्योर आप सब जहाँ जहाँ भी स्टेट के को बिलोंग करते हैं, कुछ ऐसे फोक सॉन्ग्स होंगे जिसमें कुछ नेचर के बारे में या कुछ ट्रेडिशन के बारे में, या फॉर एग्जाम्पल फॉर दैट मैटर लोकल जो आपके जो राजा रानी की कहानी, उससे जो ट्रेडिशन के बारे में, या किसी फेस्टिवल के बारे में, या फिर फ्रीडम फाइटर्स के बारे में, ऐसे कुछ महान लोग हुए होंगे आपके लोकैलिटी में, आपके स्टेट में, उनपे कुछ सॉन्ग्स होंगे। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ, एमपी है क्या अभी पार्टिसिपेट कर रहा है इसमें, इस वो में एमपी है क्या, मध्य प्रदेश नहीं है। तो एनीवे ऐसे बहुत सारे वो हैं, जैसे कि एमपी में जैसे आल्हा उदल जो है आल्हा गाते हैं, तो आल्हा उदल की कहानी पे है बेस्ड है। और वैसे ही जैसे रामायण की रामायण पे बहुत सारे बेस्ड फोक सॉन्ग्स हैं हमारे, तो ये सब हम सोशल साइंसेस में यूज कर सकते हैं कि ना ट्रेडिशन कैसा था, या फिर लोकल लीडर्स के बारे में भी है, जो पुराने जो फ्रीडम फाइटर्स के बारे में भी कुछ होंगे, या सीजन्स जो कैसे चेंज होते हैं उत्तराखंड में भी, जैसे जब हम बुआई करते हैं उस समय का जो वो है कुछ उसमें लोकल जो है सॉन्ग्स है वो सब सब है, हुड़किया बॉल गीत और ये सब सब कुछ कुछ है। वैसे ही आई एम श्योर राजस्थान में भी होंगे और बाकी सब स्टेट्स में भी होंगे, तो आप लोग प्लीज उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। और वैसे ही आप भी सॉन्ग्स लिख सकते हैं किसी टॉपिक पे, और जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे इसमें दिया है मराइस एंड मिरांडा, और इंडिया में भी ऐसे हैं, मैंने जस्ट फॉर एग्जाम्पल दिया है इसमें, नेचर सॉन्ग्स, बैलेंस ऑफ नेचर, हाउ इज सिल्क मेड, पार्ट्स ऑफ अ ट्री, ये सब ना ऑलरेडी अवेलेबल है यूट्यूब पे, आप सुन सकते हैं। उन्होंने बहुत आई थिंक 60s में या उसके पहले 40s में ये सब सॉन्ग्स बनाए थे। तो जैसे मैंने कहा हमारे फोक में भी, फोक कल्चर में भी बहुत सारे ऐसे सॉन्ग्स हैं जिनमें इस तरह के का उल्लेख आता है, नदियों के बारे में या सीजन्स, या किसी पहाड़ के बारे में, पहाड़ों के बारे में, या ऐसे करके, तो आप प्लीज उसको यूज कर सकते हैं, और या अपने से भी ऐसे सॉन्ग्स लिख सकते हैं। नाउ जैसे मैंने कहा ये कुछ स्क्रीनशॉट्स मैं क्विकली आपको दिखाती हूँ, ये भुवन जो मैंने बताया उसमें है, उसका स्क्रीनशॉट है कि कैसा दिखता है, और आप इसमें 2D भुवन है, 3D है, और क्लाइमेट एनवायरनमेंट है, और ये सब सब सारी चीजें हैं, ये सब सब इसमें आप देख सकते हैं। देन कुछ और फीचर्स हैं इसमें, स्लाइडर है उसमें, और ई गवर्नेंस, टूरिज्म, अर्बन रूरल, थीमेटिक सर्विसेज, ये सारे जो फीचर्स हैं उसमें, डिजास्टर मैनेजमेंट, स्टेट वाइज एप्लीकेशन, ये सब उसमें आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट टूल जो मैंने बताया था मार्बल KD, इसमें आप इंस्टॉल कर सकते हैं इसको, हर फॉर्मेट में ये अवेलेबल है, लिनक्स के लिए, मार्बल मैप्स जो है, ये ऐप जो है, फिर उसके बाद फिर आपको विंडोज के लिए, एप्पल के लिए, सबके लिए कंपैटिबल है, वो आप डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। इसमें फीचर्स में आप जाके देख सकते हैं, ये सम ऑफ द फीचर्स आर देयर। इसमें आपको एटलस मिल जाएगा, ओपन स्ट्रीट मैप मिल जाएगा, सैटेलाइट व्यू, बेहम ग्लोब 1492 का आपको मैप मिल जाएगा। तो जब आप हिस्ट्री में कुछ पढ़ा रहे हैं, तो यू कैन ओपन दिस एंड यू कैन शो देम कि कैसा उस समय लोग समझते थे कि वर्ल्ड कैसा है, और कैसे पॉइंट आउट किया हुआ था। अर्थ एट नाइट है, हिस्टोरिकल मैप ऑफ 1689 है, प्लेन मैप, पॉलिटिकल मैप, और भी कुछ फीचर्स हैं जो उसमें मैं नहीं दिखा पाई हूँ, और आप खुद से भी इसमें क्रिएट, चूंकि फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, तो आप खुद से भी अपना ऐसे ग्लोब के फॉर्म में या मैप के फॉर्म में आप क्रिएट कर सकते हैं किसी भी समय का, आपको मिल जाएगा इसमें, यू कैन क्रिएट दैट। देन दिस इज गूगल अर्थ, जैसे मैंने बताया था कि कई सारे लोग यूज करते होंगे, हो सकता है ऐसा दिखता है, और उसमें कुछ फीचर्स हैं जैसे कि वॉयजर, प्रोजेक्ट्स, मैप, स्टाइल एटसेट्रा, इसमें रोटेट वगैरह करके आप दिखा सकते हैं, जूम इन जूम आउट करके स्टूडेंट्स को। देन यू हैव उसी में वॉयजर पे मैंने क्लिक किया था गूगल अर्थ में, और उसमें ये देखिए ये पेज खुल के आएगा, इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं नेचर से रिलेटेड, इसमें ऑलरेडी जैसे इसमें आपको दिखा रहा है 3D इमेज इन गूगल अर्थ, टाइम लैप्स इन गूगल अर्थ, ट्रेक्स यूजमाइट नेशनल पार्क के, और भी बहुत सारे नीचे आपको स्क्रोल करने पे आ जाएंगे, गेम्स भी हैं इसमें, लेयर्स हैं कुछ मैप्स रिलेटेड,
स्ट्रीट व्यू है, कल्चर, ट्रैवल, एजुकेशन, इन सब से रिलेटेड जो है आपको ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ई कंटेंट आपको मिल जाएगा, वीडियो है या फोटोग्राफ कुछ भी, वो सब आपको मिल जाएगा। आप बस इसको इनको यहाँ से उठाइए और आप उनको अपने ई कंटेंट, आप बस उसमें कॉपीराइट वाला इशू ना हो इसलिए आप सोर्स डाल लीजिए एंड अपना खुद का कंटेंट बनाइए। वीडियो कंटेंट बनाएंगे आप, इसको इसमें एक क्लिपिंग डाल सकते हैं इसमें से कुछ लेकर के। देन QGIS मैंने बताया कि इसमें मैप बना सकते हैं, ये भी फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। देन ट्रोफी मैंने बताया कि ट्रोफी है, जैसे आप इसमें देखिए ऐसा दिखेगा, इसका स्क्रीनशॉट है, एक्सप्लोर योर रिसर्च फोटोज, जैसे मैंने बोला कि ऑनलाइन फोटो लाइब्रेरी टाइप का है। देन यू हैव windy.com, इसमें रियल टाइम जो क्लाइमेटिक फीचर्स हैं वो आपको दिखाई देते हैं, साइक्लोनिक डिप्रेशन वो भी आपको दिखाई देगा, विंड का डायरेक्शन, कितनी स्पीड से विंड है, थंडर स्टॉर्म कहाँ आएगा, हेल स्टॉर्म कहाँ आएगा, ऑल ओवर वर्ल्ड में, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, अभी जैसे सब विंटर सीजन है तो सदर्न हेमिस्फेयर में समर सीजन होगा, तो आप इसको खोल के दिखा सकते हैं स्टूडेंट्स को। और जैसे अगर आपको ई कंटेंट बनाना है तो आप इसकी क्लिपिंग, वही मैंने कहा कि आप स्क्रीनशॉट उतने जब आप सर्व कर रहे हैं इसको, मतलब जब आप दिखा रहे हैं खोल के उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर स्क्रीनकास्ट कर लीजिए, पूरी स्क्रीन को रिकॉर्ड कर लीजिए थोड़ी देर के लिए, एंड देन उसको आप उसमें नरेशन डाल के, मतलब आगे पीछे वॉइस ओवर डाल करके, और आप इसको जो है एक वीडियो कंटेंट के तौर पे आप बना सकते हैं। देन स्टेलारियम जो मैंने कहा वो ऐसा दिखता है, और इसको आप डाउनलोड वगैरह कर सकते हैं। देन सुटोरी जैसे मैंने कहा, इसमें बहुत सारे लेसन प्लान्स हैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक, ये सब इसमें दिया हुआ है। देन दिस इज फ्लाइट रडार 24.com, आपको रियल टाइम फ्लाइट की जो मूवमेंट्स हैं और लोकेशन वगैरह वो जो है वो दिख जाएंगे इसमें, कंजेशन कहाँ पे है वो सब। तो जैसे मैंने बोला ट्रैवल एंड टूरिज्म के लिए इंपॉर्टेंट होता है, जनरली हम लोग कई बार अपने ट्रैवलिंग के लिए भी यूज करते हैं। देन दिस इज ये जो मैंने बोला गूगल आर्ट एंड कल्चर है, तो हमारा जो हम जब हम जब यहाँ से जैसे ये हमारा अगर जीमेल खुला है तो उसमें ये डॉट्स दिखाई देते हैं, 9 डॉट्स, इस पे हम क्लिक करते हैं तो एक ड्रॉप डाउन ऐसे दिखाता है विंडो, उसमें बहुत सारे फीचर्स, थोड़ा सा स्क्रोल करेंगे तो आपको इसमें आर्ट्स एंड गूगल आर्ट्स एंड कल्चर मिल जाएगा, गूगल अर्थ भी है इसमें, और आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये सारे मैंने जैसे बताया आपको, तो बहुत सारे इसमें ऑप्शंस आते हैं। आर्ट कैमरा इसमें क्या है, एक एक्सप्लोर हाई डेफिनेशन आर्ट वर्क्स इसमें आपको मिल जाएंगे, पुराने पुराने भी। देन इसमें 360 डिग्री वीडियोज हैं, एक्सपीरियंस कल्चर इन 360 डिग्रीज। देन स्ट्रीट व्यू मैप्स आपको मिल जाएंगे। देन आर्टिस्ट हैं बहुत सारे इसमें, इसमें 13,399 आर्टिस्ट आपको मिल जाएंगे, तो आप किसी के बारे में पढ़ बता रहे हैं, जैसे कई बार होता है ना हम आर्टिस्ट का क्यों बताते हैं, जैसे आर्टिस्ट ने कुछ पर्टिकुलर कल्चर को वो लोग डिपिक्ट करते हैं, पहले फोटोग्राफ्स वगैरह इतना लोग नहीं ले पाते थे तो पेंटिंग्स बनाते थे, और दैट वाज वही जो होता था वो रेफरेंस होता था, तो कैसे वो डिपिक्ट करते, तो आर्टिस्ट जो हैं कई बार कल्चर को वो डिपिक्ट करते हैं अपनी पेंटिंग्स के थ्रू, तो उनके बारे में है पिक्चर्स। देन मीडियम्स, इसमें बहुत सारे मीडियम्स के बारे में बताया हुआ है, आर्ट से रिलेटेड है, आर्ट मूवमेंट्स जो हैं वो बताए, वो ये सब हिस्ट्री सोशियोलॉजी इन सब में, पॉलिटिकल साइंस वगैरह में हम कई बार रेफर करते हैं, हिस्टोरिकल इवेंट्स के लिए फोटोग्राफ्स हैं इसमें, देन हिस्टोरिकल फिगर्स के भी फोटोग्राफ्स हैं इसमें, तो ये सब सारे फीचर्स हैं इसमें। देन गूगल कार्डबोर्ड जो है उसका ये ऑप्शन है इसमें दिया हुआ। देन नेशनल ज्योग्राफिक किड्स जो है जैसे मैंने बताया, उसमें ये आप खोलेंगे तो इसमें गेम्स वगैरह इसमें मिल जाएंगे, वो सब आप एक्सप्लोर करके इसी तरह से आप बना सकते हैं गेम्स स्टूडेंट्स के लिए। देन जियोगेसर भी है, इसमें भी है गेम्स आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। देन गूगल आर्ट्स एंड कल्चर में जैसे है, उसमें प्ले में आप क्लिक करेंगे तो इसमें बहुत सारे गेम्स आएंगे, तो इनमें से कोई भी आप देख सकते हैं, आप इसको इसी के तर्ज पे आप गेम बना सकते हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए। देन सजेस्टेड रेफरेंसेज हैं ये बहुत सारे, यूट्यूब वगैरह के जो हमारे एनसीईआरटी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, ये जैसे मैं आपको वीडियोस हैं ऐसे रिकॉर्डेड वीडियोस लाइव जो जाते हैं वेबिनार में, वो वाले आपको वीडियोस मिल जाएंगे, आप इनको देख करके टूल्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में वो टूल्स जो हैं वो आप देख सकते हैं। देन ये सजेस्टेड रीडिंग्स हैं कुछ कि एनसीएफ का पुराना जो एनसीएफ है अभी नया भी बन रहा है, उसमें फिर एक कुछ एक दो
पेपर्स हैं जो पब्लिश्ड हैं उनको, और ऐसे बहुत सारे हैं, आप उनको देख सकते हैं। एंड आप ई कंटेंट बनाने के लिए और उसके बारे में और जानकारी लेने के लिए आप इन सबको रेफर कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट माय प्रेजेंटेशन। अब थोड़ा सा हमारे पास समय है, 15-20 मिनट का। इस बीच में किसी को क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ लीजिए प्लीज। एनीबडी वांट्स टू आस्क एनीथिंग? किसी हेलो की कोई मैम सवाल? हाँ मैम प्लीज बताइए। मैम, कुछ स्पेसिफिक इकोनॉमिक्स के लिए है मैम कोई? मैम इकोनॉमिक्स के लिए देखिए, जैसे मैंने बताया आप भुवन में बहुत सारे आपको डेटा वगैरह मिल जाएगा, तो आप उसमें से आप निकाल के मैप आप उसमें क्रिएट कर सकते हैं, या उसमें से डेटा लेकर के आप बना सकते हैं। और ग्राफ्स वगैरह बनाने के लिए भी इकोनॉमिक्स के लिए है, मैं अभी उसका टूल का नाम भूल रही हूँ, मैं आपके कोऑर्डिनेटर को बता दूंगी, वो आपके ग्रुप पे डाल देंगे वो, ठीक है? तो मैं आपको ओके, बता दूंगी। थैंक यू ग्राफ्स मैम। वगैरह बनाने के लिए चार्ट्स वगैरह ऑलरेडी भी हैं जो आपको बने बनाए मिलते हैं, और भी खुद से भी आप उसमें क्रिएट कर सकते हैं। तो वो अच्छा, बाकी हम तो हम, डायग्राम दे रहे थे मैम, डायग्राम के लिए चार्ट अच्छा था वो बनाने डायग्राम के के लिए, लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे हम इकोनॉमिक्स में लॉ ऑफ डिमांड का डायग्राम होता है, तो उस प्रकार के डायग्राम बनाने के लिए। अच्छा ओके ओके ठीक है, मैं बता दूंगी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, मैंने कुछ एक्सप्लोर किए थे, मैं आपको कोऑर्डिनेटर को बता दूंगी, वो ग्रुप पे डाल देंगे आपके, ठीक है? सबको ही पता चल ओके, जाएगा, थैंक ठीक है यू। मैम? आई विल जस्ट राइट इट डाउन, मैं लिख लेती हूँ सो दैट आई डोंट फॉरगेट। ठीक है, इसके भी है, मुझे ध्यान आ रहा है। तो ये है, मैडम और किसी को कुछ पॉलिटिकल सवाल साइंस के पूछना है? रिगार्डिंग हाँ सर, जी, पॉलिटिकल साइंस मैडम। पॉल साइंस से रिलेटेड सर, देखिए एक तो भुवन में आपको कुछ कुछ चीजें मिल जाएंगी, बाकी जिससे रिलेटेड आप उनको डेटा को यूज कर सकते हैं और बना सकते हैं, मैप्स वगैरह भी थोड़े मिल जाएंगे सेंसेस वगैरह से रिलेटेड आपको। देन आपको सुटोरी में आप जो मैंने बताया कि जो टूल है उसमें जाके आप लेसन प्लान्स देख लीजिए, उसमें ई कंटेंट पे यूज करने के लिए बताया हुआ है, वो आप कर सकते हैं। आप बता रहे हैं ये प्ले स्टोर पे मिलेगा या गूगल आप ऐसे? जिन अभी मैं आपको दिखा दूंगी खोल के, ठीक है? और फिर ओके आपको ओके जो है आपको पॉल साइंस के लिए आपको गूगल आर्ट एंड कल्चर में भी कुछ कुछ चीजें मिल जाएंगी, टॉपिक्स आप देख लेंगे। देन उसके बाद फिर कार्टून्स वगैरह जो होते हैं पॉल साइंस में, वो बड़े हेल्पफुल होते हैं, जो कि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स में भी यूज किए गए हैं, तो वो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं सर, कहीं से भी यस जो यस मैम, न्यूज़पेपर में कार्टून्स जो आते हैं या मैगजीन्स वगैरह में, तो वो आप यूज कर सकते हैं कहीं से भी, वो तो आपको कहीं से भी मिल जाएगा गूगल में सर्च करके। वो बड़ा अच्छे से सटायरिकली वो उस यस मैम, पर्टिकुलर टाइम के समय में वो किस तरह का सिचुएशन था, पॉलिटिकल सिनेरियो क्या था, इमरजेंसी का या बात का या कभी कभी सिचुएशन का, जब भी या फिर जब जब से ये गठबंधन की राजनीति शुरू हुई तब उन समय का जो गुलाब को ये इस तरह का जो शुरू हुआ, वो सब सब आपको उसमें मिल जाएगा। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स में भी है और अदरवाइज भी आपको मिल जाएगा। और भी कुछ है ऐसे, मैंने किसी से शेयर भी किए थे, मैं भूल रही हूँ उनका, उसमें क्या था कि गांधी जी की पूरी लाइफ से रिलेटेड उसमें पूरा दिया हुआ था। तो ऐसे ही कुछ कुछ और भी जो वो है पॉलिटिकल फिगर्स जो हैं उनसे रिलेटेड उसमें इंफॉर्मेशन थी, मैं वो भी डाल दूंगी, मुझे मैं ढूंढ के, मुझे याद आ रहा है मैंने किसी के साथ कभी एक बार उसको डेमोन्स्ट्रेट भी किया था कहीं पे, तो वो सब आपको मिल जाएंगे। और कार्टून्स वगैरह तो आप कहीं से भी, आपको न्यूज़पेपर्स वगैरह के मिल जाएंगे आपको, ठीक है? वो यूज कर सकते हैं आप पॉल साइंस के लिए। नाउ लेट अस ओके थैंक यू एक्सप्लोर। मैम। हाँ वेलकम। हेलो एनीबडी हेलो एल्स? मैम, यस सर। मैम हिस्ट्री में जैसे राजस्थान में प्राचीन सभ्यता के स्थल हैं, तो हम इसके लिए क्या क्या टूल्स यूज ले सकते हैं इसमें, ई कंटेंट में मतलब सर किस देखिए, तरह हो के सकता है क्रिएशन आपको के? गूगल आर्ट एंड कल्चर में कुछ चीजें मिल जाए, ठीक है? जी मैम, उस समय उस किसी पर्टिकुलर वो के ज्यादा तो बहुत नहीं मिलेगा, क्योंकि सिर्फ इंडिया का पर्टिकुलर स्टेट का नहीं होता है। और बाकी जी आप जी सर वो जो है जैसे आप वो जैसे कठपुतली वाला जो सर होता है, एग्जाम्पल बता रही हूँ मैं, और बाकी जी जी वो मैम कठपुतली वाले जो कुछ वीडियोज हैं आपको फ्री अगर मिल जाते हैं तो उसमें भी जी वो कल्चर की तरह आप उसमें दिखा सकते हो, और उसमें इनफैक्ट वो कहानी भी बताते हैं, राइट? कठपुतली का जब दिखाते हैं शो, जी तो एक किसी की कहानी वो बताते हैं, तो उसको आप रेफरेंस में लाके या आप अपने खुद से ऐसे कठपुतली का वो करा के और किसी
टॉपिक को लेके, किसी हिस्टोरिकल इवेंट को लेके आप खुद भी बना सकते हैं, वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं वैसे, ठीक है। और बाकी ये अभी मैं भुवन में आपका आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो साइट है उसमें से आप कुछ देख जी सकते हैं, मिल जाएगा। गूगल एंड आर्ट एंड कल्चर में आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप फोक सॉन्ग्स अपने जी वहां जी तो बहुत रिच है ये सब चीजें, तो वो आप उसमें से भी आप देखिए अपनी फोक सॉन्ग्स में, उसमें से भी आपको मिल जाएगा। वो टूल ही है, आप उसको डिजिटल कर दीजिए ई कंटेंट के फॉर्म में, तो वो ऑडियो के फॉर्म में, तो वो आपका ई जी कंटेंट बन जी मैम, जाएगा। एक्चुअल में क्या है कि हम हमारा राजस्थानी कंटेंट क्रिएशन में भी वर्क कर रहे हैं अभी, तो हाँ सर, इसलिए आपके यहाँ मैंने काम हो रहा जी काफी सारा। आप सर एससीईआरटी हाँ राजस्थान से ना, हमने पीएमई विद्या में ट्रेनिंग भी जी दी थी उनको, तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। बहुत सारे उन्होंने बनाए हुए हैं ऑलरेडी ई कंटेंट, तो जी मैम जी वहां से आप कनेक्ट करके उनसे ही आप उनसे जुड़ सकते हैं, और आप भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और उनसे जो उन्होंने बना रखे हैं वो भी आप जी यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो उन्होंने काफी बनाए हुए हैं ई कंटेंट, ठीक है। सो जी मैम, ऐसे थैंक यू आप मैम बना सकते हो सर। अब हम लोग जी, बहुत एक्सप्लोर बहुत करते हैं, धन्यवाद। ठीक है। मैम, जैसे हाँ मैं अभी पीएमई पे काम कर रही हूँ, तो वहां पर मैंने इससे रिलेटेड काफी वीडियोस देखे हैं, और उसके वहां पर लिंक्स भी अवेलेबल है, जैसे कि आप, जैसे अभी सर ने हिस्ट्री का कहा, या पर्टिकुलर पॉलिटिकल साइंस, या सब्जेक्ट वाइज सारे ही जो भी 11th और 12th में सब्जेक्ट चलते हैं, साइंस आर्ट्स एंड कॉमर्स के सारे वीडियोस और उनके कंटेंट सारे अवेलेबल है वहां पर। कहाँ पे मैम? मैम पीएमई विद्या पे जो अभी हाँ हाँ चार वो बहुत सारे हैं चैनल, हमारे यहाँ हाँ सारे। चार चैनल अभी स्टार्ट होने वाले हैं हाँ एक्चुअली, उसका भी शेड्यूल है जिसमें मैं काम कर रही हूँ, उसका शेड्यूल अच्छा। लगभग बन गया है 2 महीने का, तो सो दैट जल्द ही वो सारा कंटेंट जो गवर्नमेंट टीचर्स हैं हमारे राजस्थान के, उनको सारे वहीं पर अवेलेबल हो हाँ, जाएंगे। और हम सर दीक्षा पे भी है सारा, हाँ जी मैम, और दीक्षा वो पे है। क्यूआर, हाँ, हाँ क्यूआर मैम, कोडेड है सारे। क्यूआर कोड से मैम स्कैन करके, अगर कोई आपका कंटेंट नहीं बना हुआ, जैसे अभी 125 का ऐसा हुआ था कि बहुत सारे वीडियोस कम बने हुए हैं, तो उससे रिलेटेड आपके क्यूआर कोड्स अवेलेबल हैं। सपोज आप कोई भी आओ सीखे भाग एक का, कोई भी आप मोर का चैप्टर ले लें, और उससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई वीडियो नहीं बना हुआ, तो क्यूआर कोड से स्कैन करके दीक्षा पे वो सारा मैटर आप देख सकते हैं, हाँ, ऐसा वो है। देख सकते हैं सब लोग हैं, और हम लोग टीवी पे टेलीकास्ट भी करते हैं, तो हाँ आप जी, हाँ जी, हाँ जी कुछ मैम, भी किसी को आप एक्सप्लोर कर सकते हो, आवाज कम ऑडियो कर दे मेरे और को। वीडियो हाँ ये रिस्पॉन्सेस। शिक्षा, हाँ जी, शिक्षा दर्शन शिक्षा वाणी पे आवाज कम कर दिया मेरे सारे बेटे का, अवेलेबल। है ना हो गया। ओके तो मैम, आप थैंक यू। दीक्षा पे जाके आप ऐसे ई कंटेंट, आप उसमें से आइडियाज भी ले सकते हैं, और यस मैम, ऑडियो रिसोर्सेज भी हैं, वीडियो रिसोर्सेस भी हैं, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक से, तो सारे दिन आते हैं चैप्टर मेरे से वो रिलेटेड हैं। स्टेट राइट, वाइज मैम सभी अवेलेबल। हाँ, स्टेट की बुक्स भी हैं, उन पे भी हाँ अवेलेबल हैं, जो जो उसी में, ई चाय कंटेंट उनके जो हैं उसमें सब एम्बेड किए हुए हैं। आएगा तो दादा हो गया। मैम थैंक प्लीज लता मैम, आप यू। म्यूट कर लीजिए। और कौन है? ठीक है, सो लेट्स एक्सप्लोर। अब मैं क्विकली जो मैंने टूल्स दिखाए उन पे मैं क्लिक करूँ, आपको दिखा देती हूँ डेमोन्स्ट्रेट करके। भुवन जैसे मैंने टाइप किया, यहीं से शुरू करते हैं। ये मैंने आपको खोल के दिखाया था, और इसमें 2D भुवन है जो कि इस फॉर्म में आपको दिखेगा, और इसमें सैटेलाइट व्यू है आपका, हाइब्रिड मोड है आपका, टेरेन मैप है, ये सब सिर्फ और मोर फीचर्स, और इसमें और भी हैं वो सब आप इसमें से देख सकते हैं। देन मैंने आपको इसको बंद कर देते हैं, फिर सेकंड हम खोलते हैं। अच्छा, 2D में ही चलिए खोलते हैं। इसमें हम आपको ये चलते हैं, अच्छा रुकिए, चल मैं नेक्स्ट खोल लूंगी। इसमें आर्काइवल डेटा भी, बहुत सारा डेटा इसमें पड़ा हुआ है, क्लाइमेट एनवायरमेंट का, 3D में आप देख सकते हैं ऐसे रोटेट करता हुआ भूवन में। अच्छा, मैं ये बोल रही थी, ये स्लाइडर है, एग्रीकल्चर, वाटर, फॉरेस्ट्री, ई गवर्नेंस, देन टूरिज्म, अर्बन, रूरल एक्सेट्रा। टूरिज्म में चलिए हम देख लेते हैं, थोड़ा सा आर्कियोलॉजी का हिस्ट्री वालों के लिए थोड़ा सा हेल्पफुल हो जाएगा। ये देखिए, ये जितने आपको ग्रीन ट्रायंगल्स दिख रहे हैं वो सारे ASI से रिकॉग्नाइज्ड आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं इंडिया में। आप किसी पे भी क्लिक करके आप इस पे सपोज आप देख सकते हैं, गुजरात से लोग हैं, मैं इस पे क्लिक कर रही हूँ। ये देखिए, ये है एंशियंट साइट कोटड़ा, और इसमें इसके फीचर्स हैं कुछ जो दिए हुए, पिक्चर भी आ गया, और मॉन्यूमेंट है, एंशियंट साइट है, लोकेशन धोलावीरा, डिस्ट्रिक्ट कच्छ, स्टेट राजस्थान, सॉरी गुजरात, ASI सर्कल, वडोदरा सर्कल में आता है। ठीक
ठीक है, तो ऐसे करके ना सारे बहुत सारे आपको ये जितने ग्रीन दिख रहे हैं ट्रायंगल्स, वो सब पे किसी पे भी आप क्लिक करेंगे जूम करके, तो आपको ऐसी इंफॉर्मेशन आपको दिखाई देगा, आपको पता ही नहीं चलता, शायद आपको पता भी नहीं होगा आपके स्टेट में इतने सारे आर्कियोलॉजिकल सर्वे के आइडेंटिफाइड साइट्स भी हैं। तो हमारे हमारे यहाँ आए थे कुछ इंटर्नशिप के लिए स्टूडेंट्स नॉर्थ ईस्ट से, जब मैंने उनको खोल के से दिखाया तो उन्होंने बोला कि मैम हमें तो पता ही नहीं था कि ये देखो आर्कियोलॉजिकल साइट हमारे पुणे है, हमारे पास में देखो ही, हम अब नेक्स्ट जब व्हेन वी विल गो बैक हम उनको स्टूडेंट्स को लेके यहाँ जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं, आप इसमें सर्कल वगैरह चूज करके देख सकते हैं। प्लीज म्यूट योर सेल्फ, कोई और भी माइक ऑन है किसी का? नेक्स्ट वी हैव, इसमें बहुत सारे, जैसे मैंने स्लाइडर में कहा बहुत सारे फीचर्स हैं, आप किसी पे भी क्लिक करके देख सकते हैं। देन वी हैव अदर फीचर्स जो मैंने बताया था। ठीक लता आर्या मैम प्लीज खुद को म्यूट कर लीजिए प्लीज। लता आर्या मैम प्लीज म्यूट योर सेल्फ। देन थीमेटिक सर्विसेज, ओशन सर्विसेज, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सब सारे फीचर्स हैं इसमें, आप क्लिक करके, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप यू कैन एक्सप्लोर अपने खुद से। ठीक है, तब तक मैं दूसरा टूल आपको दिखाती हूँ। देन वी टॉक्ड अबाउट स्टेलारियम। इसमें स्टेलारियम वेब पे मैं क्लिक कर रही हूँ। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे मेरा लोकेशन जो है वो आइडेंटिफाई कर लिया इसने, मैंने कई बार खोला इसलिए। और ये जो है ये रियल टाइम जो स्काई का जो अभी है सिचुएशन वो इसमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब क्या है ये देखिए, ये जो भी यहाँ पे अभी ये देखिए गैलेक्सी भी दिखाई दे रही है, जैसे सन, मर्क्यूरी, वेनस, ये सब रियल टाइम यहाँ पे जो अभी ऊपर दिख रहा होगा विदाउट टेलीस्कोप यू कैन सी, और मून भी दिख रहा है, देखिए मून है, डायरेक्शंस दिख रहा है। ओके, सो आई एम जस्ट क्लिकिंग ऑन, कितना सुंदर लग रहा है, आई एम जस्ट क्लिकिंग ऑन कॉन्स्टलेशन। ये देखिए जो हम कॉन्स्टलेशन पढ़ाते हैं ऐसे तो दिखते नहीं है, बचपन में तो हमें दिख भी जाते थे थोड़े छत पे जाके, अब तो मेट्रो सिटीज में स्पेशली नहीं दिखाई देते। ये है, अगर हम उनको हम बताते हैं कॉन्स्टलेशन जो है वो ऐसे कोई कोई फीचर्स जैसे फिगर्स बनाते हैं, तो उसके लिए हम अगर इस पे कॉन्स्टलेशन आर्ट पे क्लिक करें तो ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, ऐसे उनको हम दिखा सकते हैं स्टूडेंट्स को, अदरवाइज तो इट्स नॉट पॉसिबल राइट। फिर उसके बाद मैंने अनक्लिक कर दिया, फिर मैंने एटमोस्फेयर, तो ये एटमोस्फेयर का थोड़ा सा ऐसे लाइनिंग दिखा रहा है। देन मैंने लैंडस्केप भी कर दिया, तो लैंडस्केप भी अब दिख रहा है और ऊपर आसमान दिख रहा है मुझे। ठीक है, देन ये सब कुछ प्रोजेक्शंस हैं जो उसमें हम लोग यूज करते हैं पढ़ाई के लिए। अब मैं इस पे क्लिक कर रही हूँ डीप स्काई ऑब्जेक्ट्स पे, तो मुझे कुछ डीप स्काई ऑब्जेक्ट देखिए, अच्छा मैं अनक्लिक करती हूँ और फिर से क्लिक करती हूँ, ये देखिए मुझे डीप स्काई एक ऑब्जेक्ट दिख रहा है, इससे मैं क्लिक करती हूँ। अच्छा ये कुछ मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है, ये देखिए ये सैटेलाइट है स्टारलिंक 4483, देखिए ये मूव कर रहा है, ये हमें सैटेलाइट भी दिख रहा है यहाँ पे बैठे बैठे विदाउट टेलीस्कोप हम सैटेलाइट भी देख रहे हैं। ठीक है, ये मूव करता हूँ मुझे दिख गया। देन अब इस पे क्लिक किया मैंने, ये क्या है, ये एंड्रोमेडा नेब्यूला है, इसका नाम मेसियर 31 है, ये इसके कुछ फीचर्स इसमें दिख जा रहे हैं, ये हमें दिख जा रहा है, हम देख सकते हैं। देन वी हैव कैफ, ये सब स्टार स्टार कुछ कुछ ये सब चीजें हैं, ये सब हमें देखिए क्या है, अच्छा ओपन क्लस्टर प्लेडस, देन ये तो मार्स ही है, मार्स के बारे में ये तो प्लैनेट है, ये क्या है एल्डेबरम, ऐसे ना बहुत सारी चीजें आपको दिख जाएंगी, जिनको बहुत इंटरेस्ट है देखने का वो आराम जिसमें घंटों बैठ के देख सकते हैं। हमने तो सैटेलाइट भी देख लिया विदाउट टेलीस्कोप, बिना बाहर गए भी हमने देख लिया, तो ये सब बहुत इंटरेस्टिंग लगता है ऐसे देखने में, और अदरवाइज तो डेफिनेटली इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अ 360 मैंने घुमा दिया इसको, ये सब दिख जा रहा है हमें राइट। सो नाइट मोड में हमने देख लिया इसको, फुल स्क्रीन मोड। ठीक है, तो ये कुछ इंटरेस्टिंग ये एक वो है जो हम देख सकते हैं, ये जब हम बोलते हैं कि गैलेक्सी, तो देखिए ये कैसे दिख रही है गैलेक्सी हमारी।
तो ये है स्टेलारियम. देन वी वर टॉकिंग अबाउट, अच्छा सुतोरी मैं खोल के दिखा देती हूँ, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू पीपल. प्रेजेंटेशंस फॉर द क्लासरूम, ये देखिए कोलैबोरेटिव प्रेजेंटेशंस फॉर द क्लासरूम. ठीक है, अब सोशल साइंस से रिलेटेड है, इसमें बहुत सारे, इसमें देखिए ऑप्शंस हैं. परफेक्ट फॉर हिस्ट्री ज्योग्राफी एंड सोशियोलॉजी, विजिट गैलरी फॉर इंग्लिश लैंग्वेज एंड आर्ट्स टीचर्स, टेम्पलेट्स लेसन प्लान एंड मोर फॉर स्टेम टीचर्स, सम रेडीमेड लेसन टू इंस्पायर यू, राइट. जो जैसे मैंने कहा कि ये सब जो है ये आपको सब इसमें मिल जाएगा, आप कोई भी क्लिक करके देख सकते हैं, लॉग इन वॉग इन करके, और भी आप इसमें एक्सप्लोर, आप भी अपने शेयर कर सकते हैं इसमें. देन यू हैव, और मैंने क्या बोला था, hindi.com. ये देखिए इसमें ये सारे जो मूव कर रहे हैं, मैं जूम करके दिखाती हूँ, ये सब विंड पैटर्न्स दिखा रहे हैं कि किस किस पैटर्न में विंड जो है मूव कर रहा है. ठीक है, और ये देखिए थोड़ा सा माइल्ड यहाँ साइक्लोनिक डिप्रेशन है, वो भी दिख रहा है, कन्वर्ज करें सारे विंड्स जो हैं लो प्रेशर एरिया में. ठीक है, और जब हम बताते हैं कि विंड्स जो हैं हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया में ब्लो करते हैं, तो ये देखिए अभी ये ठंडा है, लैंड एरिया इज कूलर देन जो वाटर बॉडी है उससे, तो विंड्स जो हैं वो हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया में अभी ब्लो कर रहे हैं. ठीक है, ये देखिए साइक्लोनिक डिप्रेशन है माइल्ड यहाँ पे, ये सब कितना सुंदर लग रहा है देखने में जब हम स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं. अब हम आपको, अब आप सोचेंगे ई कंटेंट कैसे, तो इसको जैसे मैंने अभी खोल के अगर मैं स्क्रीन रिकॉर्ड कर लूँ तो मैं इसको दिखा सकती हूँ, फोटो क्लिक कर लूँ, स्क्रीनशॉट ले लूँ, तो मैं इसको एम्बेड कर सकती हूँ अपने वीडियो में, राइट. तो इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं इसको. अब जैसे ये टेम्परेचर दिखा रहा है, देखिए कहाँ कहाँ पे ये सब टेम्परेचर यहाँ पे दिखा रहा है. अगर मैं इस पर क्लिक करूँ विंड्स पे, तो ऑलरेडी है टेम्परेचर पे, अगर मैं क्लिक करती हूँ ये देखिए, तो ये सारा जो है ये टेम्परेचर कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे है वो दिखा दे. ये देखिए ये नॉर्थ पोल के पास ठंडा है, ये इसमें टेम्परेचर का लेजेंड बना हुआ है कि इतना माइनस इतना से डिग्री सेंटीग्रेड से 40 या उसके ऊपर तक, तो जितना वार्म होगा उतना ऑरेंज रेड टूवर्ड्स हो जाएगा. ठीक है, ये इक्वेटर के पास, ये देखिए यहाँ पे पर्पल दिख रहा है क्योंकि यहाँ बहुत ठंडा है माइनस में, यहाँ पे वार्म दिख रहा है, और क्योंकि यहाँ पे इक्वेटर के पास है, और नदर्न हेमिस्फेयर में फिर भी थोड़ा कूलर है सब कुछ, सदर्न हेमिस्फेयर में भी गर्म है बहुत ज्यादा. ये देखिए यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया इज वेरी हॉट राइट नाउ. तो ये सब चीजें जो इसमें थंडर स्टॉर्म बहुत सारी चीजें और भी इसमें आपको दिख जाएंगी. ठीक है, नेक्स्ट जो मैं आपको दिखा सकती हूँ और क्या था, अच्छा मैं गूगल आर्ट, अच्छा गूगल अर्थ दिखा जल्दी से. ठीक है, ये है गूगल अर्थ, हम सबने बहुत लोगों ने एक्सप्लोर किया होगा, ऐसे जैसे मैं रोटेट करके दिखा रही हूँ, तो आप स्टूडेंट ऐसे इसको स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हैं आप, और फिर स्टूडेंट्स को दिखा सकते हैं आप. ठीक है, ऐसे जूम वगैरह करके कि कैसे दिखता है सैटेलाइट से या ऊपर से, ये सब आप स्क्रीन रिकॉर्ड करके आप डाल सकते हैं अपने उसमें कंटेंट में जब आप बना रहे हैं, तो ये स्ट्रीट लेवल तक आपको लेके चला जाएगा. ये देखिए वो सब आप दिखा सकते हैं. मैं एक चीज आपको दिखाती हूँ, इंटरेस्टिंग लगेगा. ये सुंदरबन डेल्टा है, हम जब पढ़ाते हैं तो ये देखिए इस तरीके से एस्चुरी है ना यहाँ पे, ये डेल्टा जो, सॉरी डेल्टा है एस्चुरी नहीं, सॉरी डेल्टा है. तो ये मैं ऐसे देखिए कैसे जो है, जब हम दिखाते हैं कि बहुत सारे चैनल्स पे रिवर्स जो है ऐसे बट जाती है और ये डेल्टा बनाती है, ये सब चीजें ये डेल्टा इसमें दिख रहा है, वैसे ही यहाँ पे देखिए महानदी रिवर का डेल्टा है यहाँ पे, ये सब तो हम आराम से इनको फोटोग्राफ लेकर के क्लिक करके दिखा सकते हैं कि कैसे पानी जो है वो मिल रहा है समुद्र में जाके, और कैसे डेल्टा वगैरह फॉर्म होता है. ठीक है, तो ये सब चीजें हम दिखा सकते हैं बहुत ठीक है इजीली. मैम,
यस सर। मैम अभी तक आपने जो कंटेंट दिखाया है ये कॉपीराइट फ्री है या एट्रिब्यूशन देना सर कंपलसरी है? इसमें जैसे गूगल वगैरह में आप तो आपको देना पड़ेगा आपको, बाकी जो है कुछ उसमें कॉपीराइट फ्री है। जैसे आप अगर लेसन प्लान का आइडिया ले रहे हैं तो उसमें आपको, अगर आप चाहें तो आप उसमें एक सोर्स दे सकते हैं, बट जरूरी नहीं है कि सेम ही आप यूज करें। तो यू कैन जस्ट टेक एन आइडिया, और ये सब जो मैं दे, आप बस उसमें वो दे दीजिए कि ये जैसे स्टेलारियम वगैरह तो कॉपीराइट फ्री, वो फर्स्ट टूल्स हैं, और ये सब भुवन भी आप ले सकते हैं, सोर्स बस आप उसमें डाल दीजिए, ठीक है, फ्रीली एक्सेसिबल है। अभी मैंने कुछ में भी पेमेंट नहीं किया, जो भी आप देख रहे हैं एवरीथिंग इज मैं फ्रीली, अभी मैंने किसी में पेमेंट या सब्सक्रिप्शन वगैरह नहीं लिया है। अब जैसे गूगल आर्ट एंड कल्चर में वॉयजर पे मैंने क्लिक किया, अब ये देखिए जो मैं बता रही थी आपको कि इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, सी लेवल राइज, देन एंड क्विज, एनिमल साउंड्स पे क्विज है, टाइम लैप्स इन गूगल अर्थ, फ्री में। यस मैम, आप इकोनॉमिक्स से मैम इकोनॉमिक्स का मैं बता दूंगी आपको, मैंने बताया कि मैं आप डाल दूंगी, आपके ओके कोऑर्डिनेटर को बता दूंगी, तो आपके ग्रुप पे डाल देंगे, ठीक है। इसमें बहुत सारे जैसे आपको मिल जा रहे हैं कल्चर वगैरह से रिलेटेड, हिस्ट्री वगैरह से रिलेटेड, ज्योग्राफी से, सोशियोलॉजी से रिलेटेड आपको मिल जाएंगे। मैम, ये सर जस्ट डू वन मोर फेवर। आप हाँ इनको मीन्स एक बार ग्रुप में कैटेगराइज करके डाल दीजिएगा। मीन्स विच आर टोटली 100% ओपन, फ्री सोर्स, कॉपीराइट फ्री, एंड विच आर क्रेडिट रिक्वायर्ड। ओके मैम, सर, अभी जो इज इट भी मैं पॉसिबल आपको मैम? दिखा रही हूँ उसमें किसी में आपको पेमेंट करने की, जो भी फ्रीली अवेलेबल है आपको वो मैं दिखा रही हूँ। फॉस टूल्स जो है वो आपके स्टेलारियम है, QGIS है, ये आपके फॉस टूल्स हैं, कि मतलब आप इनको फ्री एंड ओपन सोर्स, आप उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, ये सब कर सकते हैं। बाकी जो आपको जितने सारे हैं वो आप फ्रीली एक्सेसिबल हैं, आप उनको फ्रीली ऐसे एक्सेस कर सकते हैं, यू जस्ट हैव टू गिव द सोर्स ऑफ इट, ठीक है, वो ओके फ्रीली मैम, थैंक अवेलेबल है, आप यूज कर सकते हैं, तभी मैं आपको दिखा रही हूँ। और कुछ आपको फीचर्स उसमें और मिलेंगे जो कि यू। आपको मैम आपको पे करके यूज कर सकते हैं, तो मैं वो बता ही नहीं रही हूँ। आप अगर पे करके यूज करना चाहें तो आप बेशक कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप नहीं, आप कैसे भी, ये देखिए BBC का एक नेशनल ट्रेजर्स डेजर्ट्स का है, आप इससे इंस्पायर ओके होके मैम, अपने थैंक लिए यू। वीडियो बना सकते हैं, ठीक है। सो ये वॉयजर में है ऑप्शंस, इसमें आपको कुछ मिल जाएगा, ऊपर जाते हैं, बहुत सारे ऑलरेडी कंटेंट है आप एजुकेशन राइट, इसमें बहुत सारे हैं आपको। ये देखिए पोएट्री अराउंड द वर्ल्ड, ये भी है इसमें, देन स्कूल का है, बहुत सारे इसमें वीडियोस, ये देखिए मिथ्स एंड लेजेंड्स अराउंड द वर्ल्ड, फेरी टेल्स अराउंड द वर्ल्ड, देन मैथ एंड आर्किटेक्चर, सर्कुलर स्ट्रक्चर, एक्सप्लोरर्स, अर्ली कनेक्टर्स, हिस्ट्री वाले लोग देख सकते हैं, एक्सप्लोरर, लेविस एंड क्लार्क, फोक टेल्स अराउंड द वर्ल्ड, ये भी है इसमें, द डे ऑफ डायनासोर्स, द डे डायनासोर्स डाइड, एक्सप्लोरर्स, एज ऑफ एनकाउंटर, ये सब सब देखिए, बहुत सारे इसमें हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, ये सब पॉल साइंस में भी काफी चीज इसमें मिल जाएगा। तो आप और थोड़ा सा ट्रैवल है, कल्चर है, कल्चर से रिलेटेड बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी इसमें आपको, थोड़ा एक्सप्लोर करना होगा। और जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक टीचर्स है, मुझे भी एग्जैक्टली नहीं पता पॉल साइंस में एग्जैक्टली और इकोनॉमिक्स में कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं, थोड़ा आइडिया डेफिनेटली है, बट एग्जैक्टली आप उस हिसाब से आप इनको कैसे यूज कर सकते हैं थोड़ा आप एक्सप्लोर करेंगे तो आपको भी पता चल जाएगा। अच्छा मैं गूगल आर्ट एंड कल्चर बता रही थी आपको, जैसे अब ये मेरा जीमेल खुला हुआ है, देन इसमें मैं क्लिक करती हूँ ड्राइव पे वाला जो ऑप्शन आ रहा है, इस पे मैंने क्लिक किया, इसमें ऑप्शन आया बहुत सारे, ये देखिए गूगल आर्ट एंड आर्ट्स एंड कल्चर, मैंने इसको खोला, ये देखिए इसमें बहुत सारे फीचर्स है, टाइम ट्रैवल, डिस्कवर आर्ट ए टू जेड, पिक अ कलर, देन इसमें गो साइट सीइंग, फाइंड नियर बाय एग्जीबिशंस, बहुत सारे इसमें ऑप्शंस हैं। इसमें शायद आपको कार्टून्स वगैरह भी मिल जाएंगे सर, पॉल साइंस से रिलेटेड, आप देख लीजिएगा जरा एक बार, वैसे तो अखबार में आप किसी पे भी डालेंगे आपको फीचर्स उसमें मिल जाएगा। देन म्यूजियम्स हैं, यू नो बहुत सारे इसमें ऑप्शंस हैं, आप देख सकते हैं। देन ठीक है, ये सारे इसमें ऑप्शंस हैं बहुत सारे,
जो आप यूज कर सकते हैं अपने ई कंटेंट बनाने के लिए, बस आप क्रेडिट दे दीजिएगा एंड यू कैन यूज इट। मैं बताई थी जैसे इसमें एक्सप्लोर है, प्ले है, इसमें गेम्स मिल जाएंगे आपको, वो जो मैं बता रही थी आपको, ये उनके गेम्स हैं, ये इससे रिलेटेड आप अपने भी गेम्स बना सकते हैं ऐसे, ठीक है। थोड़ा एक्सप्लोर करना होगा आपको, देन और क्या था, यूट्यूब चैनल पे भी बहुत सारे मिल जाएंगी ऑप्शंस हमें। अब थोड़ी देर में ब्रेकआउट सेशन जो है ब्रेक होने वाला है, आप अच्छा मैं इकोनॉमिक्स का आपको देखती हूँ, कुछ गांधी से रिलेटेड मुझे याद आ रहा है, मैंने देखा था उसमें और भी बहुत सारे थे। ऑप्शंस जो थे बहुत सारे, मैं भूल रही हूँ थोड़ा, मैं तो आपको देख के मैं बता दूंगी, मैंने कहीं पे तो लिखा भी था एक्चुअली, हम लोगों को कुछ करने के लिए आया मैं था कुछ काम, तो मैंने उस पे वो किया था। नहीं, इजी जियो जेब्रा जियो जेब्रा नहीं है सर, जियो जेब्रा तो मैथ्स के लिए यूज होता है, ठीक है। आपको बहुत सारे मिल जाएंगे इसमें फीचर्स ऑलरेडी, मैं आपको देख के बता दूंगी, आई विल टेल योर। अच्छा, पॉलिटिकल कार्टून्स, देखिए उसमें आपको बहुत सारे मिल जाएंगे पॉलिटिकल कार्टून्स, ठीक है। टाइम्स ऑफ इंडिया में तो इंडिया का मिल जाएगा आपको, बाकी बाहर का भी मिल जाएगा, बहुत सारे कार्टून, ऑल दीज यू कैन यूज। और आप अगर चाहें क्रेडिट दे के, और या तो आप इसमें, आप कैसे सर्च करते हैं आपको पता है ये पॉलिटिकल कार्टून्स? अब इसमें हम टूल्स पे जाएंगे, ओके, मोर, नहीं इमेजेस, सॉरी, ठीक है, इसमें यूजेज राइट पे मैंने क्लेम, टूल्स पे मैंने किया। आप वैसे तो आप दिखा ही सकते हैं ऐसे करके, आप एक अपने ई कंटेंट के लिए यूज करें, यूजेज राइट में मैं क्रिएटिव कॉमन्स पर डाल देती हूँ, तो आपको मिल जाएंगे कुछ ऑप्शंस। ये देखिए, ये सब क्रिएटिव कॉमन्स के कार्टून्स हैं, ये सब आप यूज कर सकते हैं अपने पॉलिटिकल साइंस के लेसन के लिए। ब्रेकआउट रूम का आ गया है, कुछ ही देर में 50 सेकेंड्स में हम वापस उसमें चले जाएंगे, ठीक है। सो ऐसे करके बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड भी है मैम, मैं आपको ढूंढ के बता दूंगी। किसी को और कुछ क्वेश्चन पूछना है? एनीबडी हैज टू आस्क एनी क्वेश्चन? रियली रियली इम्प्रेसिव सेशन मैम, थैंक्स अ लॉट। आई एम ओके, रियली थैंक यू, इंटरेस्टेड थैंक यू, थैंक यू मैम, इन माय थैंक यू सर, थैंक टीचिंग। यू। एनी टाइम वी विल बी इन 20 सेकेंड। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। और दीक्षा पे बहुत सारे ई कंटेंट है, यू कैन यूज दोस ई कंटेंट, फ्रीली एक्सेसिबल है। पीएमए विद्या में जो हम टेलीकास्ट करते हैं, वो सारे एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक पे हर चैप्टर से रिलेटेड वीडियोज हैं, किसी भी सब्जेक्ट के आप उसमें से ले सकते हैं, यूज कर सकते हैं, इंस्पायर होके अपना बना सकते हैं वीडियो या कुछ भी कंटेंट उसमें। स्क्रीन का आइकन अभी नहीं है, सो सेम फीडबैक हमने भी ओलैब्स के वालों के साथ शेयर किया है कि वो उसमें आइकन लगा देंगे तो स्क्रीन जो है वो जाम हो जाएगा, आपका वेबसाइट मूव नहीं करेगा, बट टिल देन यू हैव टू वेट सर। टाइम ओवर हो गया सर, वन ऑफ द पार्टिसिपेंट वर शेयरिंग। नहीं, मैं इसी ग्रुप में आके ही बोल रहा था, क्योंकि वो भी इधर आगे होंगे ना, सो क्वेश्चन वहां पे चल रहा था। जी सर, प्लीज सर बताइएगा, ब्रेकआउट क्योंकि रूम्स बीच में ओवर हो गए? ब्रेकआउट हो गया था, समझ नहीं आया। हाँ, तो इसमें मैं ये कह रहा हूँ सर, वो सेम फीडबैक हमारा भी है वर्चुअल लैब के लिए, और हमने उनके साथ ऑलरेडी शेयर किया हुआ है कि उसमें वो फुल स्क्रीन का आइकन लगा देंगे तो हमारा जो सिमुलेशन का स्क्रीन है वो फ्रीज हो जाएगा, फिर आपको ये इशू नहीं आएगा, बट टिल देन यू हैव टू वेट सर। ओके, थैंक यू सर। मैं आपको इसलिए अर्जेंट बेसिस पे बोल रही हूँ क्योंकि हम ये एक साल इसको ज्यादा दे देते हैं। मोनिका मैम, आपकी तरफ शायद बैकग्राउंड नॉइज है कोई। सो ब्रेकआउट रूम से हम सब लोग वापस आ गए हैं कॉमन रूम में, और थैंक्स ड्राइंग रूम में मैम, ड्राइंग रूम में जितने भी एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़े थे, हमारे टीम मेंबर्स। आई होप वो ये सेशन आपका ब्रेकआउट वाला बहुत फ्रूटफुल रहा होगा, क्योंकि मैं सारे ब्रेकआउट रूम्स में गई थी और बहुत ही एनर्जेटिक सेशन चल रहे थे वहां पे, बहुत मजा आ रहा था मुझे तो, आप लोग को भी आया ही होगा जरूर। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद,
और फिर से हम चाय के लिए थोड़ी सी देर के लिए अलग होंगे, हम शाम की चाय लेंगे 10 मिनट के बाद हम फिर मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग सेशन में के लिए, और इस सेशन का टाइटल है इवैल्यूएशन ऑफ ई कंटेंट। तो सब लोग मिलते हैं 10 मिनट के बाद आफ्टर टी ब्रेक। थैंक यू मैम। वन अनाउंसमेंट प्लीज, अटेंडेंस लिंक शेयर कर दिया चैट बॉक्स में, तो प्लीज मार्क योर अटेंडेंस इन बिटवीन दैट। फर्स्ट तो मैं आ गया हूँ, मैंने तो कर दिया अटेंडेंस। थैंक यू। वी शुड लीव द मीटिंग गाइस। डॉक्टर गुलशन? यस मैम। मैम यू कैन जॉइन फॉर द टी आल्सो। ओके यस, थैंक यू सर। यशपाल सर आप भी। थैंक यू सो मच सभी पार्टिसिपेंट्स अपना।